अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है? ठीक ठाक है यार। मैंने सोचा चलो मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, मतलब अच्छे से, मतलब ये कि गर्मी हो रही है। मैंने चलो यार आप लोगों को थोड़ा कराची के बारिश के बाद के जो हालात हैं उससे मैं अपडेट कर दूँ आप लोगों को। यार मैं जा रहा हूँ इस टाइम कोरंगी, और बस मैंने चलो अपने साथ आप लोगों को मैं जरा कराची के जो रोड की हालत है वो दिखा दूँ। मैं तो आप चलते रहे मेरे साथ, आप लोगों को 5-7 मिनट की वीडियो में दिखाता हूँ। बारिश के बाद हमारे बहुत सारे रोड ऐसे हैं कि जो बड़ी अच्छी कंडीशन में है माशाल्लाह, अल्लाह पाक के फजल करम से। तो बस चलते रहे हमारे साथ भाई। अच्छा हम आते हैं इस टाइम चारा फैसल पे, तो चारा फैसल पे हम चलते हैं इंशाल्लाह। ये राइट पे देख लो कि अंदर पास है, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। ये देखें आप, देखा आप लोगों ने ट्रेन की पटरी है, लेकिन ट्रेन यहाँ पे गर्मी नहीं है। हम आ गए भाई इस टाइम डिग रोड पे हम लोग, डिग रोड क्रॉस कर रहे हैं। कुरंगी का सफर लगता है के ब्रिज पे भाई। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे स्क्रीन पे आपको मेट्रो दिख रहा होगा, और ये मेट्रो आप गुजर रहे हैं। हम लोग सारा का फैसल ये ब्रिज पे हम चल रहे हैं भाई। और मौसम तो भाई ऐसा गर्म है आज कराची का कि इसकी बात ही नहीं करें। यकीन करें इस साल तो ऐसा लगा कि गर्मी आई नहीं है बिल्कुल, माशाल्लाह बड़ा अच्छा मौसम था। लेकिन बस बहुत से लोगों के लिए वो नुकसान भी हो गया, परेशानी का बाइस भी बना है। अल्लाह पाक सबके साथ रहम वाला आखिर बड़ा मामला करे। बहरहाल कराची में मौसम बहुत बेहतर था, हम तो समझे इस साल गर्मी आई नहीं है। लेकिन अभी इस टाइम हो रहा है 1:30 बजे दोपहर के, और यकीन करें बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। ये बस कुरंगी जाने के 2-3 रास्ते ही रह गए हैं, वरना भाई कुरंगी तो शहर से कट जाता है बिल्कुल। या मेरे लेफ्ट पे देख रहे होंगे ये वो जो मलीर एक्सप्रेस वे है ना, ये उसका प्रोजेक्ट है। आप देखिए कितना माशाल्लाह अच्छा काम हो चुका है इस पे। तो बस उम्मीद है कि ये भी बन जाए, इस तरह लियारी एक्सप्रेस वे बना था तो एक अच्छा काम हो जाएगा, लोगों के लिए सहूलत हो जाएगी। यहाँ से ये निकल रहा है भाई ये काठोर के लिए, तो उम्मीद है कि 25-30 मिनट का रास्ता हो जाएगा कुरंगी वाले को काठोर सुपर हाईवे निकलने के लिए। एक अच्छा प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है सिर्फ गवर्नमेंट ने, और आगे हुआ है भाई कुछ प्रोजेक्ट में जल्द कामयाबी हासिल करें और बनाएं। वही साथ साथ चल रही है, और आप बाहर भी देख रहे हैं भी चेक कर रहे होंगे आप कराची। चलो भाई आप लोग देख रहे होंगे हम कोरंगी में इन हो चुके हैं भाई। तो ये भी हम लोग जा रहे हैं दारुल उलूम जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे दारुल उलूम के अंदर का भी व्यू आप लोगों को दिखाएं। तो ये भी हम दारुल उलूम की पार्किंग में पहुंच गए हैं, ठीक है। जुम्मा इंशाल्लाह यहाँ पढ़ते हैं, फिर जुम्मे की नमाज के बाद इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह। ये आ गए हम दारुल उलूम की पार्किंग में। चेक कर रहे हैं भाई ये दारुल उलूम के अंदर माशाल्लाह हम लोग इन हो चुके हैं, और ये दारुल उलूम की मेन मस्जिद जो है मरकजी मस्जिद में हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत लोग हैं, बहुत मजमा है। फैसल भाई फर्स्ट टाइम आए क्या आप यहाँ? जी जी मैं पहली दफा। ये हमारे दोस्त हैं फैसल भाई, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
अच्छा खासा शौक था मुझे देखने का दालडूम की मस्जिद का, बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि माशाल्लाह इतनी खूबसूरत इतनी बड़ी। ठीक है भाई, जुम्मे की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसके लिए वजू भी ज़रूरी है भाई, वजू कर लेते हैं पहले। भाई दारुलूम आना हुआ था तो हमने सोचा थोड़ा जुनेद जमशेद भाई की कब्र पे हाज़िरी दे दें, उनके लिए दुआ कर लें और जितने मरहूमिन हैं उन सब के लिए दुआ कर लें। तो हम जुनेद जमशेद साहब की कब्र पे आए हुए हैं अभी, सब के लिए दुआ करते हैं इंशाल्लाह। बस यार अभी अब दारुलूम में नमाज़ पढ़ी हमने, फिर एक जानने वाले के घर गए, वहाँ खाना वाना खाया, लंच वंच किया, तो बस हम लोग अभी निकल गए भाई। फिर रास्ते में ये मंजिल पंप की तरफ, हम अभी ये मंजिल पंप है गालबन, ये आप लेफ्ट पे देख रहे हैं भाई, रवा दवा है हम लोग, देखते हैं मंजिल हमें कहाँ लेके जाती है। अभी भैंस कॉलोनी की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो आप भी हमारे साथ चलिए, बिल्कुल मजा आएगा आपको। आपको कराची की कंडीशन दिखा रहे हैं रोड्स की, लेकिन ये नेशनल हाईवे गालबन लग रहा है, तो ये अच्छा बना हुआ माशाल्लाह, बारिशों के बाद से कंडीशन अच्छी है, अभी भी कोई ऐसा बिगड़ा नहीं है, ये ओके चल रहा है बिल्कुल। हाँ ये देख रहे हैं आप, डॉलेंस की मेन कंपनी जा रही है, ये रही आपकी कंपनी डॉलेंस है भाई। तो नहीं आप लोगों का आवाज सही आ रही होगी नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं बहरहाल माइक यूज किया हुआ, मैंने उम्मीद है कि आप लोगों को एयर का साउंड नहीं आ रहा होगा, सिर्फ मेरी आवाज आ रही होगी। भाई ये किया मोटर्स आ गया भाई, बोर्ड कासिम, यार ये मेन चलते हुए रोड पे ये चीज नहीं आनी चाहिए जो आप लोगों ने देखी है अभी गुजरते, जिस रोड पे हम जा रहे हैं इस तरफ ट्रैफिक कम है, लेकिन जिस जो रोड सामने से आ रहा है उस पर ट्रैफिक बहुत है। अल्लाह खैर करे भाई, इस कट से हमें टर्न लेना है, उसका ब्रश देख रहे हैं अभी, आराम से मुड़ना, आराम से चले, आराम कोई टेंशन नहीं है, घंटा लग जाए लेकिन आराम से जाएं, खैरियत से जाएं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा पसंद आए तो भाई इसको दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।